नमस्कार, प्राइम 100 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले, पाठ्यक्रमों से हटाए जाए महिलाओं को कमतर बताने वाले हिस्से। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में हुए शामिल। कांग्रेस में बड़े बदलाव की हवा, गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बना सकती है पार्टी। सोनिया गांधी के हाथ में 2024 तक कमान रखने का भी प्रस्ताव। पीएमओ ने 8 जुलाई तक की सारी मीटिंग टाली, 2 दिन के अंदर हो सकता है कैबिनेट विस्तार। भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे रूस का दौरा, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर होगी वार्ता। भीमा कोरेगांव केस में 9 महीने पहले जेल भेजे गए स्टेन स्वामी का अस्पताल में निधन। स्पुतनिक वी का इंतजार होगा खत्म, सरकारी केंद्रों पर जल्द मुफ्त में मिलेगी रूसी वैक्सीन। सोशल मीडिया के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बारी, संसदीय स्थायी समिति यानी आईटी करेगी कामकाज की समीक्षा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, नए आईटी नियमों का पालन करने में नाकाम रही ट्विटर। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का 4 दिनी दौरा, रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग नेताओं नागरिक समाज के समूहों के साथ करेगा बैठक। बैठक में नहीं शामिल होगी पीडीपी। किसान आंदोलन के कारण NH-44 पर फ्री है टोल प्लाजा, केंद्र सरकार को राजस्व का 2000 करोड़ का हुआ नुकसान। यूपी में चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, अखिल भारतीय बैठक में वर्चुअल माध्यम से लेंगे हिस्सा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम केजरीवाल पर निशाना, कहा सीएम केजरीवाल ने पंजाब की जनता से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का झूठा चुनावी वादा किया। ट्विटर विवाद में शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय कमेटी ने आईटी मंत्रालय के अफसरों को किया। शूटआउट के पक्ष में आए असम के मुख्यमंत्री का, अपराधी भागने की कोशिश करे तो मार गिराना ही सही। आगरा में न्यू दक्षिणी बाईपास पर दिन दहाड़े हुई लूट, महिला से चेन लूट कर फरार हुए बदमाश। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सीबीआई के निशाने पर कांग्रेस नेता राकेश भाटी। गोरखपुर में रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई का छापा, 190 कर लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, राकेश सिंह बघेल के गोरखपुर निवास पर सीबीआई ने की छापेमारी। दवा रेत कर वृद्ध महिला की निर्मम हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है यूपी, मल्टीप्लेक्स जिम और स्टेडियम खुले, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन।
लखनऊ में भी एसएनएल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, कोरोना से मरने वाले के परिजनों के लिए मांगा मुआवजा। राजधानी लखनऊ में नादरगंज चौकी इंचार्ज ने पेश किए एक मिसाल, गरीब बच्चों को बांटे फल और खाना, चौकी इंचार्ज की खूब हो रही है सराहना। चार छात्र लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, लगातार मामले की जांच कर रही है पुलिस। शाहजहांपुर में पुलिस ने चरस तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के पास से 450 ग्राम चरस बरामद, पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 90 करोड़ रुपए बताई। संभल में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है वायरल, पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर के देवबंदी उलेमा में मोहन भागवत के बयान की तारीफ, भीड़ हिंसा पर कड़े कानून बनाने की उठाई मांग। औरैया में बेटे ने प्रेम प्रसंग के चलते पिता को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आईआईटी कानपुर के ड्रोन ने मनवाया लोहा, अमेरिका में आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में 3 कैटेगरी में मिला खिताब, इसकी खासियतों के बारे में बताया गया। कानपुर जीएसवीए मेडिकल कॉलेज का कमाल, ब्लैक फंगस के 30 रोगियों की बचाई गई जान। प्रयागराज में शव दफनाने पहुंचे परिजनों को पुलिस ने रोका, नगर निगम ने कराया अंतिम संस्कार, दूसरी लहर में रेत में सैकड़ों शव मिलने के बाद दफनाने पर लगा दी गई रोक। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव कार्यक्रम हुआ घोषित, 825 ब्लॉकों में 10 जुलाई को होगा मतदान। जौनपुर में सरकारी सुविधाओं की राह देख रहे बुजुर्ग दंपति, सड़क पर जिंदगी बिताने को हुए मजबूर, विधायक और अधिकारी ने नहीं की कोई भी मदद। रायबरेली में सिंचाई विभाग की वजह से परेशानी में किसान, सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न, जिला प्रशासन का नहीं ले रहे हैं कोई कार्य। शाहजहांपुर में एसटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता, नकली सीमेंट फैक्ट्री पर हुई छापेमारी, कर्मचारी और लेबर को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मृतक आश्रितों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा योग्यता के आधार पर मिलेगी नौकरी। गोंडा में एसएचजी की महिलाओं ने यूपी में बजाया कामयाबी का डंका, एक दिन में घर बैठे कमाई रिकॉर्ड 60 लाख रुपए। देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का खाका तैयार, जुड़ेंगे यूपी के 12 जिले और 519 गांव। आरबीआई का नया सर्कुलर बुजुर्ग के लिए मुसीबत, एफडी रिन्यू ने कराने पर अब मिलेगा बचत खाते का ब्याज। बनारस में गुमराह की शूटिंग कर चुके मृदुल दास नई वेब सीरीज में निभाएंगे आतंकवादी का रोल। यूपी में कोरोना कर्फ्यू हटने से आर्थिक गतिविधियों में उछाल, जून में मई से 2,891 करोड़ ज्यादा मिला राजस्व। राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र विनम शास्त्री, समाज सेवा के क्षेत्र में भी विनम शास्त्री हैं सक्रिय।
मेट्रो ट्रेन में खास तरह से होगा सैनिटाइजेशन, बस 30 मिनट में दूर हो जाएगा वायरस का खतरा। रामदेव की कंपनी यूपी में 20,000 से अधिक लोगों को देगी रोजगार, दिल्ली एनसीआर के युवाओं को भी मिलेगा लाभ। बुलंदशहर में फिल्म स्टार में चाची ने किया सवा माह के मासूम का अपहरण, बच्चे पालने की लालसा में किया अपराध। उमर गौतम के कानपुर, लखनऊ समेत कई जनपदों में बैंक खाते एटीएस कराएगी फ्रीज। मेरठ में सलमान अंसारी गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी, एसआईटी करेगी दर्ज मुकदमों की विवेचना। सवालों के घेरे में लखनऊ नगर निगम के आए कर्मचारी, 3 माह में खर्च कर दिया साल भर का बजट। सीतापुर में एक घर में बदमाशों ने बोला धावा, गृह स्वामी को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। किसान पाठशाला में एकीकृत खेती के गुर सिखाएंगे विशेषज्ञ, लखनऊ सहित प्रदेश के 52,000 न्याय पंचायतों में होगी शुरुआत। चमोली में विस्थापन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, 2022 चुनाव का करेंगे बहिष्कार। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा दावा, बीजेपी के कई विधायक आपके संपर्क में, जल्दी विधायकों को शामिल कराने का है दावा। देहरादून में सुखबीर सिंह संधू होंगे प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी, ओम प्रकाश की जगह लेंगे सुखबीर सिंह, केंद्र सरकार ने संधू को किया कार्यभार। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर साधा निशाना, सीएम धामी को बताया अनुभवी। लक्सर में अवैध खनन पर चला प्रशासन का डंडा, 4 वाहनों को किया गया सीज, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। रुड़की में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 29 जून को ईंट भट्टा मालिक की हुई थी हत्या। प्रयाग में 100 फीट नीचे खाई में गिरी कार, महिला और बच्ची की मौके पर मौत, ड्राइवर को खोजने में जुटी रेस्क्यू टीम। देहरादून में धामी सरकार की हुई पहली कैबिनेट मीटिंग, कई बड़े प्रस्तावों पर सरकार ने लगी मुहर। देहरादून में 13 जुलाई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल, स्कूलों के खुलने पर पाबंदी जारी। चमोली में बिना सड़क के परेशान ग्रामीण, 2 सालों में से लगातार कर रहे हैं आंदोलन, सरकार ने ग्रामीणों की नहीं ली कोई सुध। हरिद्वार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने धांधली का लगाया आरोप, जिलाधिकारी से मामले में कार्रवाई करने की उठाई मांग। मसूरी में स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, सीएमएस के माध्यम से सीएमओ को दिया ज्ञापन। पौड़ी में डीएम ने की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों की प्रगति के लिए जानकारी।
रामनगर में पहली बार दिखाई दी दुर्लभ सफेद बुलबुल, कॉर्पोरेट प्रशासन करेगा दुर्लभ बुलबुल पर अध्ययन। उत्तराखंड में चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ी क्षेत्र में छाए रहेंगे हल्के बादल। प्रदेश में लगातार चल रहा वैक्सीनेशन अभियान, देहरादून जनपद में वैक्सीन की हुई कमी, 45 पार लोगों को वैक्सीन लगनी हुई बंद। चीन के यूनान प्रांत के रुजली शहर में फिर बढ़े कोरोना के मामले, शहर में आवाजाही पर लगाई गई पाबंदी। कोविड में जेल जाना मौत का सजा, राष्ट्रपति ने बताया। कोरोना महामारी के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने की पहली सबसे बड़ी सभा, कहा संभल कर रहे, महामारी अभी पूरी तरह से नहीं हुई है खत्म। ट्यूनिशिया की संसद में चल रही है थी बहस, सांसद ने बीच में उठकर महिला सांसद पर बरसाए थप्पड़, रोकने आए दूसरे सांसद भी आए चपेट। सुसाइड मशीन सार्को में जुड़ा नया फीचर, अब मरने से पहले खुद को वर्चुअल तरीके से मरते हुए देख सकेंगे लोग। श्रीलंका में काम करते दिखे चीनी सैनिक, पूर्व आर्मी कमांडर ने गवर्नमेंट पर लगाए गंभीर आरोप। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने जो बाइडेन को दी बधाई, भारत की तरफ से चीन को मिला कड़ा संदेश। भारतीय नौसेना ने चीन की नाक के नीचे जापान दक्षिण कोरिया के साथ किया जंग का अभ्यास। इमरान ने दिए बलूचों से वार्ता के संकेत, अलगाव की मांग के लिए पूर्व सरकारों को ठहराया जिम्मेदार। जर्मनी ने किया भारत, ब्रिटेन और पुर्तगाल के यात्रियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान। एशिया इंटरनेट गठबंधन की हांगकांग को चेतावनी, कहा प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव, गूगल फेसबुक और ट्विटर सरीकी कंपनियों को गवाना। आईएमएफ की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने, पाकिस्तान में आतंकवाद से ज्यादा है पानी संकट का खतरा। कोरोना संक्रमण से मुकाबले में नए उपचार की पहचान, प्रोटीज एंजाइम्स ने किया जा सकेगा इलाज। अमेरिका की घोषणा, यूएस फौज की वापसी के बाद भी काबुल में खुला रहेगा दूतावास, करेंगे मिलकर काम। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से लगी सीमा पर नजर रखने वाले कमांडर को दिया प्रमोशन। थाईलैंड की फैक्ट्री में हुआ भयानक विस्फोट, एक की हुई मौत, 62 लोग हुए घायल। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के कार्नवाल में 60 फीट ऊंची पहाड़ी से गिरी महिला, कमर टूटी और सिर में आई चोट, फिर भी बची जा। नाइजीरिया में बंदूकधारियों का स्कूल पर हमला, 150 से ज्यादा बच्चों का अपहरण।
चीन अब अंतरिक्ष से करेगा मौसम की निगरानी, अंतरिक्ष में स्थापित की गई नई पीढ़ी का सैटेलाइट। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को भेजे 2600 किलो आम। भारतीय हॉकी टीम की ओलंपिक तैयारी, भुवनेश्वर की टीम धवन ने 11 को हराया श्रीलंका में टीम इंडिया का इंट्रा स्क्वाड मैच, मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव ने जमाए अर्धशतक। ओलंपिक के लिए भारतीय ध्वजवाहकों की घोषणा, मैरी कॉम और मनप्रीत टोक्यो में थामेंगे तिरंगा, क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया को दी गई जिम्मेदारी। कश्मीर में पाकिस्तान ने की क्रिकेट राजनीति, पीओके में 6 से 16 अगस्त तक होगा कश्मीर प्रीमियर लीग का आयोजन, 6 फ्रेंचाइजी टीमों में खेलेंगे विदेशी खिलाड़ी। श्रीलंका के पूर्व प्रदर्शन विश्लेषक सनत जयसुंदरा को मैच फिक्सिंग में पाया गया दोषी, आईसीसी ने लगाया 7 साल का बैन, कई आरोपों का पाया गया है दोषी। शेरशाह के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर की एक और फिल्म साइन की, एक्ट्रेस अलाया फर्नीचर वाला की यूटर्न का टीजर हुआ रिलीज। भारतीय सेना ने शेरनी को दिया ट्रिब्यूट, विद्या बालन के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में बनाया सैन्य फायरिंग रेंज। सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की भूत पुलिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, जारी हुआ फर्स्ट लुक। करण जौहर की अगली फिल्म में जया शबाना संग रोमांस करते नजर आएंगे धर्मेंद्र, फिल्म में 3 दिग्गज कलाकारों के बीच देखने को मिलेगा लव ट्रायंगल। हंगामा 2 के चुरा के दिल मेरा सॉन्ग के टीजर ने मचाई धूम, मिजा संग थिरकी शिल्पा। डिजिटल मोनोपोली पर रोक के लिए बना पैनल, केंद्र सरकार ने 9 मेंबर्स की बनाई टीम, इंफोसिस के नंदन नीलकड़ी को बनाया गया है एडवाइजर। शक्तिभोग के चेयरमैन को ईडी ने किया गिरफ्तार, 3,259 करोड़ तक का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग का लगा आरोप। रिलायंस निप्पन लाइफ ने की बोनस देंगे घोषणा, 6.85 लाख पॉलिसी धारकों को मिलेगा इसका फायदा। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, केंद्र सरकार ने जारी की जीपीएफ की नई ब्याज दरें। टाटा स्टील का जून तिमाही में कच्चे इस्पात का प्रोडक्शन 63% बड़ा, बिक्री में हुआ था बड़ा इजाफा। फिलहाल के लिए इतना ही, देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।